નમસ્કાર, રામ રામ. મેં આપ સભીરો મારી યુટ્યુબ ચેનલ માટે ઘણો ઘણો સ્વાગત અને અભિનંદન કરો. દોસ્તો, આપને પતો વેલા કે મેં આપ સભીરે લીએ રાજસ્થાન રી ભાષા રે મહિને રાજસ્થાન રો જી કે જીણે મહિનો આપે રાજસ્થાન રી કલા સંસ્કૃતિ રે બારે મે, ભૂગોળ રે બારે મે, ઇતિહાસ રે બારે મે વિસ્તાર નું જાણકારી લેવ. હવે વાત કરીએ આ રાજસ્થાન રી ઇતિહાસ રે માટે, ઇતિહાસ રે માટે આપણી ચર્ચા જારી. राजस्थान का प्रमुख राजवंश और राजवंश और महीने पे बात कर रहे हैं चौहान राजवंश रे माते, चौहान राजवंश रे बारे में, चौहान राजवंश रे बारे में. बहुत दिनों बाद में अपनी क्लास शुरू हुई है. आशा कर रहा हूं कि जो मैंने तुमने जो पहले चौहान वंश रे बारे में जो पढ़ाई हो बहुत थोड़े कंठत हुएला, क्योंकि एग्जाम री दृष्टि महत्वपूर्ण स्वान वंश, एग्जाम री दृष्टि महत्वपूर्ण स्वान वंश. स्वान वंश री पहली बात करी पे स्वान वंश री उत्पत्ति रे बारे में. स्वान वंश री उत्पत्ति पहला पे बात करी स्वान शब्द, स्वान शब्द सहमान शब्द बनियो है. सार और साकार तोता साप, हकार तोता है हरी, मानकार तोता है मान और नाकार तोता है नीति मान. सार शब्द रे मेलू स्वान शब्द री उत्पत्ति हुई है. किन्हें बताए कि चाहमान शब्द से स्वान शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो यह बताए हुए पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय की रचना जयानक भट्ट ने की, पृथ्वीराज विजय की रचना जयानक भट्ट ने की. इन्हों आगे यहाँ पे बात करी कि भाई स्वान वंश की उत्पत्ति के बारे में पे बात की. स्वान वंश की उत्पत्ति के बारे में पहले यहाँ पे सिद्धांत पढ़े हो, बिना सिद्धांत रो नाम हो अग्निकुंड रो सिद्धांत. अग्निकुंड सिद्धांत रे बारे में पे बात करी कि अग्निकुंड सिद्धांत पृथ्वीराज रासोरा जो लेखक जिनरो नाम पृथ्वीराज रा अजीज मित्र जिनरो नाम चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई एवं बसपंद्र नाम बात करो तो अपे बल हिंद, बल हिंद ने एण भाई अग्निकुंड सिद्धांत दियो. अग्निकुंड सिद्धांत काई में बात करी कि अग्निकुंड सिद्धांत रे में कहो गयो है कि आबू जो वर्तमान में सिरोही में इन स्थान रे माथे एक साधु रहता जिन साधु रो नाम है मुनि वृष्टि ने एक यज्ञ करवायो. इन यज्ञों चार जातियां उत्पन्न हुई, बिन यज्ञों चार जातियों उत्पन्न हुई, बिन जातियों रो नाम सोहान प्रतिहार प्रमार और चालुक्य. इन आगे बात करी यहाँ पे स्वानों नो सूर्यवंशी किसने कहा, स्वानों को सूर्य वंशी किसने कहा, स्वानों को सूर्य वंशी किसने कहा, स्वानों को चंद्र वंशी किसने कहा. इससे आगे बात करी स्वानों को सूर्य वंशी किसने कहा, स्वानों को सूर्य वंशी हमीर महाकाव्य में कहा गया, हमीर महाकाव्य के अंदर स्वानों ने सूर्य वंशी कहा गया है, स्वानों को सूर्य वंशी कहा गया हमीर महाकाव्य में. बाद में चंद्रवर्ती, चंद्रवर्ती स्वानों को कहा गया है, चंद्रवर्ती चौहानों को कहा गया अबू का शिलालेख, अबू का शिलालेख. उनसे आगे बात करी स्वानों को ब्राह्मण किसने कहा है, तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने स्वानों को ब्राह्मण कहा है. लेकिन स्वानों को अगर बात करो कि स्वानों को वचित्य गोत्र ब्राह्मण किसने कहा है, तो चौहानों को वचित्य गोत्र ब्राह्मण बिजुलिया शिलालेख के अंदर स्वानों को वचित्य गोत्र ब्राह्मण बताया. उससे आगे हमने बात की स्वानों के विदेशी सिद्धांत, यानी स्वानों की उत्पत्ति से संबंधित जो विदेशी सिद्धांत है उसके ऊपर बात करी, तो चार जातियों पर सामने आई. बेणु बात करी सक सीतियन हुण कुसान, सक सीतियन हुण कुसान, सक और सीतियन स्वानों की उत्पत्ति किसने बताई. बात करी कर्नल जेम्स टोल्ड और हुणों बताई डॉक्टर स्मिथ ने, और कुसानों बताई डॉक्टर अलेक्जेंडर ने, ये अलेक्जेंडर ने बताई. उन्होंने आगे यहाँ पे बात करी कि चौहान वंश रो संस्थापक वासुदेव चौहान सांबर जीतो निर्माण कर. उन्होंने आगे बात करी यहाँ पे दुर्बलराज रे बारे में, दुर्बलराज प्रथम जिनरे समय में स्वान वंश रे माते मुस्लिम आक्रमण. बीनो आगे यहाँ पे बात करी गुवक प्रथम ने स्वानों रे लोक देता हर्षरो मंदिर निर्माण करे. उन्होंने आगे बात करी यहाँ पे चंदन राज के बारे में कि चंदन राज की पत्नी आत्म प्रभा या रुद्राणी ने सांबर जिंद्रे माते 10,000 दीप जलाने की दीपदान प्रक्रिया प्रारंभ की. उन्होंने आगे यहाँ पे वागपति प्रथम जिन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की. उन्होंने आगे बात करी यहाँ पे विग्रहराज द्वितीय चालुक्य राजा मूलराज को हराकर महाराजा द्वितीय राज की उपाधि धारण, सॉरी महाराज महाराजा
खुरी रंधो खुरी राज्यो अंधकार खुरी रंजो अंधकार री उपाधि वाग पति प्रथम ने धारण की। उन आगे बात करी अजय राज रे बारे में, अग्री अजय राज रे बारे में बात करी, अजय राज रे बारे में बात करी और अजय राज ने बात करी की 1113 महीने अजय राज ने स्वान वंश री स्थापना की। अजय राज का शासनकाल 1113 से लेकर 1133 तक, 1133 तक तो स्वान वंश रो महत्वपूर्ण शासक आयो। बिन शासक रो नाम हो अजय राज ने स्वान वंश री राजधानी बनाई। बिन नो नाम हो अजमेर नगरी स्थापना करी ने अजमेर ने प्रथम बार स्वान वंश की राजधानी बनाई। और अजमेर दुर्ग या गढ़बीटली दुर्ग रो निर्माण करवायो। गढ़बीटली या तारागढ़ दुर्ग किसने नाम रखा, बात करी तारागढ़ दुर्ग नाम रखियो पृथ्वीराज सिसोदिया जी ने उड़ना राजकुमार के उन्हें अपनी पत्नी रे नाम रे माता इन दुर्ग नाम तारागढ़ रखियो। वीडियो आगे बात करी की इनने सिक्के भी सलाया जिन सिक्को रे माते आप और अपनी पत्नी रो छात में नाम लिखवायो और सिक्को रे माते चक्रवर्ती राजा कियो गयो। उन आगे आज आप बात करो स्वान वंश रो महत्वपूर्ण शासक, स्वान वंश रो महत्वपूर्ण शासक जिनरो नाम है अरुणो राजा अन्ना जी के बारे में आज आप बात करो कि अरुणो राजा अन्ना जी ने स्वान वंश रे लिए की महत्वपूर्ण कार्य किया। बिंड बारे में बात करो अरुणो जी अन्ना जी के बारे में बात करो अरुणो जी अन्ना जी के बारे में बात करो चौहान वंशरा महत्वपूर्ण शासक जिनो नाम है अरुणो राजा अन्ना जी जिनने अन्ना सागर झील रो निर्माण करवायो। अन्ना सागर झील रो निर्माण करवायो। अबे परीक्षाओं संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है बिन्ने बारे में यहाँ पे विस्तार बात करो ला बिन्ने बारे में यहाँ पे विस्तार बात करो ला अन्ना जी या अनुराज रे बारे में विस्तार बात करो ला अनुराज अन्ना जी बारे में विस्तार बात करो ला अनु जी अन्ना जी बारे में विस्तार बात करो ला। तब बात शुरू करो अन्ना जी बारे में बात। अरुणो राजा अन्ना जी अरुणो राजा अन्ना जी शासनकाल बारे में बात करो तो अन्ना जी शासनकाल 1133 से 1153 तक स्वान वंश में एक शासक आयो। बिन शासक रो नाम है अरुणो राज। अरुणराजरी उपाधि के बारे में बात करो तो उपाधि अरुणो राज एक महान शासक था। अरुणराजरी उपाधि के बारे में बात करो तो उपाधि धारण की महाराजा धीराज उपाधि धारण की और दरबारी कवि के बारे में बात करो तो दरबारी कवि के बारे में बात करो पे शायद कालो पे अरुणराज अरुणराज की बात करो तो पुष्कर में वराह मंदिर या विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। अजमेर में पंच मंदिर का निर्माण करवाया। उच्च आगे बात सैनिक अभियान के बारे में बात करो तो अबू का युद्ध जय सिंह के साथ लड़ा और अरुणराज एवं कुमारपाल थालुकी के मध्य एक युद्ध हुआ जिसके अंदर अरुणराज की विजय हो। उससे आगे बात करो कि अनासागर झील निर्माण करवाए। गोमती नदी व बांडी नदी के पानी ने रोकने अनासागर झील निर्माण करवाए। अनासागर झील के किनारे बात करी की बारादरी दौलत बाग का बात करी वर्तमान में सुभाष उद्यान नाम है। सुभाष उद्यान दौलत बाग का वर्तमान में नाम है। उससे आगे बात करी
कि रूठी रानी का महल भी यहाँ पर स्थित है। रूठी रानी का, रूठी रानी जो जहांगीर की पत्नी थी उसका महल यहाँ पर स्थित है। उन्होंने आगे बात करी पे अनाधीरे बारे में, अत्रि युद्ध काल यहाँ पे अनाधीरे बात बात करी थी। अनाधीरा उत्तराधिकारी, अनाधीरा उत्तराधिकारी बारे बात करो तो अनाधीरा उत्तराधिकारी, अनाधीरी दो रानी आई, अनाधीरी अनाधीरी दो रानी आई, दो रानी अन्ना जी की दो रानियां थी। एक रानी का नाम था सुधवा, एक रानी का नाम था सुधवा, एक था कांचन देवी। कांचन देवी अन्ना जी की दो रानियां थी, सुंदा और कांचन, कांचन देवी। इसके तीन पुत्र थे, विग्रहराज, विग्रहराज चतुर्थ, उसके बाद देवदत्त, देवदत्त विग्रहराज चतुर्थ, उसके बाद देवदत्त, देवदूत के बाद आता है जग, सॉरी सोम देव, सोम देव, देवदूत के बाद आता है सोम देव, और सोम देव के बाद में आता है जग देव, जग देव। तो जग, जग देव, जग देव, जग देव। उत्तराधिकारी आप उत्तराधिकारी बात, अणोराज रा उत्तराधिकारी, अणोराज, अणोराज रा उत्तराधिकारी बारे में बात करो, अणोराज दो रानी आई, कंचन देवी और सुधवा, सुधवारा दो पुत्र, तीन पुत्रा, विग्रहराज चतुर्थ, जग सोमदेव और देवदत्त। देवदत्त इन्हें सबसे बड़ा विग्रहराज चतुर्थ हो, विग्रहराज चतुर्थ हो, लेकिन जगदेव ने, जगदेव ने अणोराजरी हत्या की, अणोराजरी हत्या कर स्वान वंश, अणोराजरी हत्या कर स्वान वंश रो शासक बने, शासक बने, लेकिन अणोराजरी हत्या इन भाई द्वारा की गई, अणोराजरी हत्या इरे भाई द्वारा की, तो सॉरी जगदेवरी हत्या इंद्र भाई द्वारा की। तो अणोराज, अणोराज ने, अणोराज की हत्या, अणोराज की हत्या किसने की, जगदेव ने की। तो सुहानों का प्रथम पित्र हंता, प्रथम सुहानों का प्रथम पित्र हंता पूछा गया है एग्जाम के अंदर, सुहानों का प्रथम, प्रथम पित्र हंता, पित्र यानी जो पिता की हत्या करने वाला पित्र हंता, सुहानों का प्रथम पित्र अंता जगदेव को कहते हैं, क्योंकि जगदेव ने अन्ना जी या अणोराज की हत्या कर चौहान वंश का शासक बना, शासक बना, लेकिन जगदेव की हत्या इनके भाइयों द्वारा की गई। जगदेव की हत्या जो सोमदेव, विजयराज चतुर्थ एवं देवदत्त है, इन्होंने जगदेव की हत्या की, जगदेव की हत्या की। तो अणोराज की हत्या किसने की, अणोराज की हत्या जगदेव ने की। तो सोहान वंश का प्रथम पित्र अंता, सोहान वंश का पत्र प्रथम पितृता किसे कहते हैं, सोहान वंश का प्रथम पितृता जगदेव को कहते हैं, जगदेव को कहते हैं। अब इसमें जो महत्वपूर्ण शासक बताया, इन्होंने जो महत्वपूर्ण बताया उसका नाम विग्रहराज चतुर्थ। अब जगदेव के आगे जो शासक बनेगा उसका नाम है विग्रह, विग्रह राज, राज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ, बीसल देव, बीसल देव। शासनकाल बात बात करो तो 1153 से 1153 से 1100 1153 से 1100 शासनकाल 1153 से लेकर 1 आगे जो महत्वपूर्ण शासक आए बिन शासक नाम विग्रहराज चतुर्थ और विग्रहराज चतुर्थ रिपादी महत्वपूर्ण है, उपाधि महत्वपूर्ण है, उपाधि महत्वपूर्ण है, उपाधि महत्वपूर्ण है, बीसल देव, बीसल देव, बीसल देव, उसके बाद में कवि बंधु, कवि बंधु, बीसल देव, कवि बंधु, बीसल देव, कवि बंधु, और विद्वानों का आश्रय दाता। स्वान वंश में अगर ज्यादातर विद्वान देखे जाए तो विद्वानों का आश्रय दाता एवं एक और भी उपनाम है कुछ तुरकस, तुरुकस, 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 तुरुष, तुरुक्षपति, एक और महत्वपूर्ण नाम था तुरुकपति, तुरुक,
पति त्रुक पति महत्वपूर्ण नाम है एक और त्रुक पति उपाधि के बारे में बात करूं तो भीष्म देव कवि बंधु विद्वानों का आश्रयदाता और तुर्क तुरुष कपति तुरुष्क पति तुरुष्क पति एक महत्वपूर्ण उपाधि है। एक तो शिलालेख प्राप्त हुआ है ना शिलालेख जिसका नाम है शिवालिक शिलालेख स्तंभ एक स्तंभ तो 1163 का 1163 के अंदर एक शिवालिक स्तंभ प्राप्त हुआ है और शिवालिक स्तंभ के अंदर शिवालिक स्तंभ प्राप्त स्तंभ लेख प्राप्त हुआ इसके अंदर इसको विष्णु का अवतार कहा गया विष्णु का अवतार कहा गया है। किसको विष्णुदेव को विष्णु का अवतार गया किसके अंदर कहा गया है क्यों जो शिवालिक स्तंभ लेख है इसके अंदर विष्णु का अवतार किसे कहा गया है विष्णुदेव यानी विग्रहराज चतुर्थ को विष्णु का अवतार कहा जाता है। अब महत्वपूर्ण बात है इम्पोर्टेंट है नाटक के बारे में बात करें नाटक है हरी केली नाटक इम्पोर्टेंट है इसको आप याद रख लो हरी केली नाटक क्योंकि हजारों बार एग्जाम के अंदर पूछा गया हजारों बार किस भाषा के अंदर लिखा है भाषा की बात करो तो अगर संस्कृत भाषा के अंदर है संस्कृत भाषा के अंदर भगवान शिव एवं अर्जुन के मध्य संवाद है अर्जुन एवं शिव के मध्य जो संवाद हुआ है वो संवाद इसके अंदर संवाद के मध्य संवाद है भगवान शिव एवं अर्जुन के मध्य जो संवाद हुआ है उस संवाद का उल्लेख है। इम्पोर्टेंट इसके जो अंश है कुछ अंश जो ढाई दिन का झोंपड़ा है अंश यानी इसके कोई कुछ पंक्ति इस नाटक की हरी के लिए जो नाटक है इस नाटक की पंक्ति ढाई दिन के झोंपड़े पर है और एक और स्थान है आपको दिखेगा नहीं एक तो ढाई दिन के झोंपड़े पर जो हरी के लिए नाटक की कुछ पंक्तियां अढ़ाई दिन के झोंपड़े पर उत्तीकरण है। उसके बाद में एक और स्थान माता उत्तीकरण है जिन्हों नाम है आपने पता होगा राजा राम मोहन राय राजा राम मोहन राय का जो स्मारक बना हुआ है राजा राम मोहन राय के स्मारक पर हरी के लिए नाटक के कुछ शब्द यानी कुछ पंक्तियां उत्कीर्ण है हरी के लिए नाटक के दो स्थान माता है अंश उत्कीर्ण है एक तो ढाई दिन का झोंपड़ा और एक राजा राम मोहन राय। आप इसको इम्पोर्टेंट रखना क्योंकि यह कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। इसके दरबारी विद्वानों के बारे में बात करो तो विग्रहराज चतुर्थ चौहान वंश रो महत्वपूर्ण शासक तो इन्हें वंश में बात करें कि विद्वान और आश्रय दाता क्या था कौन कौन से विद्वान इसके दरबार के अंदर रहते थे। दरबारियों के बारे में बात करो तो पहला आ गया सोमदेव ललित विग्रह इम्पोर्टेंट है सोमदेव ने ललित विग्रहराज ग्रंथ की रचना की सोमदेव ने और नरपति नल्लाह ने विग्रहराज यानी सॉरी बीसल देव रासों की रचना की बीसल देव रासों की रचना की। विग्रहराज चतुर्थ के दरबार के अंदर जो दरबारी रहते दरबारियों का नाम पहले बात करें सोमदेव ने ललित विग्रह
ग्रंथ की रचना की, उससे बाद नरपति नल्ला, नरपति नल्ला ने बीसल देवरासों की रचना की। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बीसल देवरासों की रचना की, बीसल देवरासों की रचना की, बीसल देव रासों की रचना की। अब बात करो थोड़ी बीसल देव के बारे में, बात करो तो बीसल देव चार भागों, बीसल देव जो रासो है, बीसल देव रासो चार भागों के अंदर विभाजित है, चार भागों के अंदर विभाजित है। पहले भाग के अंदर रासमती एवं राजमती, यानी बीसल देव की पत्नी रासमती एवं बीसल देव की पत्नी रासमती, रासमती प्लस बीसल देव दोनों के विवाह का वर्णन है। बीसल देव के विवाह का वर्णन है, एग्जाम के अंदर पूछा गया है ना, एग्जाम के अंदर पूछा गया, इसके कारण बात करें। दो भागों में, दूसरे भाग के अंदर जो बीसल देव ने जो उड़ीसा पर विजय प्राप्त की, उड़ीसा पर विजय प्राप्त की उड़ीसा विजय का उल्लेख किसके अंदर मिलता है, बीसल देव के उड़ीसा विजय का उल्लेख मिलता है बीसल देव रासो के अंदर, किसने रचना की, नरपति नलहान ने। उसके बाद में तीसरे में आवे सारुमती का विरह, सारुमती यानी बीसल देव याद रहे मैंने सारुमती जी को विरहणी, सारुमती जी का विरह का वर्णन है। और उसके बाद में जो महत्वपूर्ण है सौतो भाग है राजमती को ले जाना। और बीसल देव के विवाह का वर्णन है, दूसरे में बीसल देव के उड़ीसा विजय का उल्लेख है, और सौते में सारुमती का विरह का वर्णन है, और सौते के अंदर बताया है राजमती के भाई भोज द्वारा राजमती को अपने पियर ले जाने का वर्णन है। उससे आगे बात करो कि विग्रहराज सत्तूर समय एक कवि सम्मेलन आयोजित हुआ, तो साहित्य के लिए एक कवि सम्मेलन आयोजित हुआ, इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। विग्रहराज सत्तूर साहित्य में विग्रहराज सत्तूर के लिए साहित्य सम्मेलन हुआ था, साहित्य सम्मेलन किसने आयोजन करा, पद्मनाभ ने एक सम्मेलन आयोजित करवाया साहित्य के लिए, अध्यक्षता किसने की थी सोमदेव ने, बाकी सोमदेव ने किस ग्रंथ की रचना की, ललित विग्रहराज। तो विग्रहराज स्तूत रे समय या बीसल देव रे समय एक कवि सम्मेलन आयोजित हुआ, एक कवि सम्मेलन जो आयोजन करता है, करता रे बारे में बात करो तो आयोजन करता पद्मनाभ है, और इनकी अध्यक्षता की सोमदेव ने, अर्णोराज के बारे में बात करी, बीसल देव ने पशु वध पर रोक किसके कहने पर लगाई, धर्म घोष के कहने पर लगाई।
स्थापत्य, अब बात करो अभी स्थापत्य के बारे में कि स्थापत्य विग्रहराज चतुर्थ या बिशल देव रे समय शासन काल के अंदर अगर बात करो तो भाई स्थापत्य कला स्थापत्य कला यानी शासन काल में कहीं कहीं निर्माण हो। एक महत्वपूर्ण चीज है स्थापत्य कला मायने अपन बात करो जिनो नाम है अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। हालांकि अढ़ाई दिन का झोंपड़ा मस्जिद रूप तो दियो अढ़ाई दिन झोंपड़ो भाई विग्रहराज चतुर्थ ने जो पहला एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करा टूटने के बाद में वो तो पहला पे अढ़ाई दिन झोंपड़े के बारे में लिखो अढ़ाई दिन का झोंपड़ा के नाम से वर्तमान में प्रसिद्ध है अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। मूलतः पहले क्या था, पहले यहाँ पर अढ़ाई दिन का झोंपड़ा नहीं था, पहले यहाँ पर संस्कृत पाठशाला थी और संस्कृत पाठशाला का निर्माण अब किनरे मतलब प्रेरणा हुए। संस्कृत पाठशाला का निर्माण पहले यूपी में किया हुआ था, यूपी में एक राजा रहने वाला था उज्जैन के राजा भोज ने यूपी रे अंदर संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवायो। संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया उसके ही तर्ज पर हमारे यहां बनवाया सरस्वती कंठाभरण। इसका नाम क्या है? सरस्वती कंठाभरण पाठशाला। इसका पूरा नाम क्या? सरस्वती कंठाभरण पाठशाला का निर्माण करवाया। किसने करवाया? विग्रहराज चतुर्थ ने। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा मूल तो पहले क्या था? एक संस्कृत पाठशाला था और उसका नाम क्या था? सरस्वती कंठाभरण पाठशाला भी कह सकते हैं। इसके ऊपर हरिकेली नाटक के अंश उत्कीर्ण है। शब्द से समानिस में इसके ऊपर आक्रमण हुआ था और आक्रमण करता का नाम तिथि के बारे में इसके ऊपर कुतुबुद्दीन ऐबक का आक्रमण हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक का आक्रमण हुआ था और ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस सरस्वती कंठाभरण जो पाठशाला थी इस पाठशाला को तुड़वा कर एक मस्जिद का रूप दे दिया मस्जिद का रूप दिया और रूप देने के बाद ने इस मस्जिद का नाम रखा अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। और इसका वास्तुकार कौन था? इसका वास्तुकार था अबू बकर इसका क्या था वास्तुकार था। इम्पोर्टेंट, राजस्थान की प्रथम मस्जिद किसे कहते हैं? अढ़ाई दिन का झोंपड़ा जिसे राजस्थान की प्रथम मस्जिद कहती है। 16 खंभों का
16 खंभों का महल कहते हैं क्योंकि ये सत्री 16 खंभों पर बनी, सॉरी ये महल 16 खंभों पर, झोपड़ी 16 खंभों पर बनी है, इस 16 खंभों का महल भी कहते हैं, 16 खंभों का महल भी कहते हैं। इसे अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्यों कहते हैं? अढ़ाई दिन का झोपड़ा खत्म जो बात करो तो अढ़ाई दिन कई इतिहासकारों का कहना है कि इन्हों निर्माण अढ़ाई दिन में हुआ, अढ़ाई दिन में इसका निर्माण हुआ। और किसी का कहना है कि यहाँ पर पंजाब सार पीर का अढ़ाई दिन का मेला लगता है, अढ़ाई दिन का उर्स लगता है, अढ़ाई दिन का उर्स लगता है, अढ़ाई दिन का उर्स लगता है। कई इतिहासों का कहना है कि इसका निर्माण अढ़ाई दिन में हुआ, लेकिन कई इतिहासकारों का यह भी कहना है कि इसका निर्माण पंजाब जापीर का अढ़ाई दिन का उर्स लगने के कारण इसमें इस झोपड़ी का नाम अढ़ाई दिन का झोपड़ा पड़ा है। कर्नल जेम्स टॉड ने इसको एक उपाधि दी, राजस्थान की सबसे प्राचीन एवं परिष्कृत इमारत। राजस्थान की सबसे प्राचीन एवं परिष्कृत इमारत किसने कहा? कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान की सबसे प्राचीन एवं परिष्कृत इमारत यानी खूबसूरत इमारत। उससे आगे बात करो तो एक और स्थापत्य के बारे में बात करो, बीसलपुर सागर का निर्माण करवाया किसमें? कोटा के अंदर बीसलपुर सागर का निर्माण करवाया, कोटा के अंदर बीसलपुर सागर का निर्माण कोटा के अंदर करवाया। पहली बार दिल्ली माथे अधिकार करने वाला स्वान शासक 1157 के अंदर दिल्ली व हांसी शासक तौर दिल्ली के अंदर दिल्ली एवं हांसी का जो शासक था दिल्ली एवं दिल्ली प्लस हांसी के तंवर शासकों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम शासक, दिल्ली पर अधिकार करने वाला चौहान वंश का प्रथम शासक कौन सा? विग्रहराज चतुर्थ। इनके बारे में एक महत्वपूर्ण कथन है क्लीन हारने का एक महत्वपूर्ण कथन का है कि अंतिम हिंदू शासक, बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कि अंतिम हिंदू शासक जिस अंतिम हिंदू शासक जो कालिदास की भी होड कर सकता था, जो कालिदास और भावभूति का होड में शामिल हो सकता है के होड में शामिल हो सकता अंतिम हिंदू शासक जो कालिदास एवं भावभूति की होड कर सकता था कालिदास जैसे मान कवि से और भावभूमि जैसे मान कवि से भी होड कौन कर सकता था? विग्रहराज चतुर्थ। तो ऐसा है कि विग्रहराज चतुर्थ ने बड़ी सरलता समझ में आया।